श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक में दीपदान का विशेष महत्व होता है। और आज है कार्तिक मास का शुक्रवार और शुक्रवार की रात में आपको एक विशेष दीपदान करना है। देखो, कार्तिक के पवित्र महीने में रोज़ हम कुछ ना कुछ दीपक का दान कर रहे हैं, रोज़ नया दीपक लगाते हैं। देखो, कार्तिक में जितने दीपक लगाओ उतने कम होते हैं, लेकिन हम 1,000, 500, 700, 100, 200, 15, 20 दीपक नहीं लगा सकते। तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार कुछ दीपक, कुछ चीज़ें डाल करके अगर आप लगाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं। देखो, आज का ये जो वीडियो है, विशेषकर कार्तिक मास के शुक्रवार पर किस प्रकार से आप दीपदान कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। देखो, आज के दिन मात्र एक दीपक आपको लगाना है, और किस प्रकार से लगाना है, कहां पर लगाना है और दीपक किस प्रकार से लगाना है, कहां लगाना है, सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में चार बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपको कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन करना है। देखिए, पहला जो उपाय होगा, तुलसी जी की जड़ में आपको आज एक विशेष चीज़ डालनी है। देखिए, दूसरा जो उपाय है, विशेष दीपदान करना है शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए। तीसरा जो उपाय है, आपको इलायची वाला दीपक का दान करना है। और चौथा जो उपाय है, वो आपको घर में ही किस प्रकार से आप भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं मात्र एक दीपक से। तो देखो, चार बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये चारों उपाय आपको आज ही के दिन करना है। देखो, ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखो, कार्तिक का पूरा महीना जो होता है वो भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए समर्पित होता है। और आज के जो उपाय हैं, इनमें से कुछ उपाय भगवान विष्णु के निमित्त दीपक लगाने वाले उपाय होने वाले हैं। सबसे पहला उपाय, आज कार्तिक मास का शुक्रवार है, आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है और साथ में आपको एक हरी इलायची, साबुत हरी इलायची डालना है। और इस जल और ये जो जल है, आज के दिन आपको तुलसी जी की जड़ में आपको अर्पित करना है। देखिए, बहुत सारे धर्म प्रेमियों के कमेंट आते हैं कि भैया पूरा एक लोटा जल अर्पित करें या थोड़ा सा अर्पित करें। तो देखो, देखिए, तुलसी जी में अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो हानि हो सकती है तुलसी जी को, तो आपको तुलसी जी में हानि नहीं पहुँचाना है। आधा लोटा जल भी आप अर्पित कर सकते हैं। देखो, नीड के हिसाब से आपको जल अर्पित करना है, ऐसा नहीं। देखो, क्रिया तो आप क्रिया के माध्यम से ही करेंगे, मात्र हल्दी डाल करके, एक हरी इलायची डाल करके आपको तुलसी जी की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए एक हरी इलायची वाला जल तुलसी जी की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। देखो, इस प्रकार से आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। यदि आपके पास कच्चा दूध है ना, तो कच्चे दूध से भी उपाय कर सकते हैं। बस 2 चम्मच कच्चा दूध लेना स्टील के कटोरी के अंदर, और उसके अंदर जल मिलाना, उसके अंदर एक हरी इलायची डालना और इसके अंदर एक चुटकी हल्दी डालना, और ये भी आप उत्तरमुखी होकर के तुलसी जी के जड़ में आप अर्पित कर सकते हैं। जो भी कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन तुलसी जी में हरी इलायची वाला जल अर्पित करता है, देखिए, इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं, कोई भी कठिनाई आ रही है जीवन में धन संबंधित, वो सब दूर होती है। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय जो कि आपको करना है। देखिए, अब हम बात करेंगे विशेष दीपदान की। कार्तिक मास का पवित्र महीना, दीपदान का विशेष महत्व होता है। और अब जो तीन उपाय आने वाले हैं, ये तीनों उपाय दीपदान के उपाय होने वाले हैं। देखो, तुलसी जी में जल अर्पित करने वाला जो उपाय है, वो आप सूर्यास्त के पहले पहले कर लेना। अब ये जो उपाय है, सूर्यास्त के बाद आपको करना है दीपदान का। देखो, दीपदान सूर्यास्त के बाद ही होता है, कार्तिक मास में विशेष ध्यान रखना। अगर दीपदान रात्रि में करोगे तो उसी का पुण्य, उसी का लाभ आपको मिलने वाला है। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे महा उपाय की। देखो, आज के दिन आपको एक लंबी बाती का दीपक बनाना है, ठीक है। आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं या माटी का दीपक भी ले सकते हैं। लंबी बाती लगाना, उसके अंदर घृत यानी कि घी का आपको दीपक बनाना है, ठीक है। अब इस दीपक का दान आपको, शुक्रवार का दिन है, कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है, बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर रात्रि में सूर्यास्त के बाद आप जाएंगे और बेलपत्र के पेड़ की जड़ में उत्तरमुखी दीपक का दान आपको करना है। देखो, जब दीपक का दान करते हो ना आप, जब दीपक लगाते हो ना, तब
पहले दीपक से आरती करना, बेलपत्र के वृक्ष की आरती करना और उसके बाद दीपक रखना, ठीक है। और जब आप दीपक रखोगे, ये दीपक होता है रोग मुक्ति का। जिन भी लोगों को रोग बहुत ज़्यादा होता है, जिन भी लोगों के जीवन में धन संबंधित परेशानी होती है, विशेषकर ये शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, और विशेषकर ये जो है शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। देखो, पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बोला है, ये दीपक जो है आपको लगाना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि जीवन के रोग जो हैं वो सब दूर हो जाएं। तो देखो, शुक्र ग्रह की इससे विशेष कृपा मिलती है, और आज के दिन आपको वहीं पर बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है। देखो, यहाँ पर आप 11 बार भी जाप कर सकते हो। महामृत्युंजय मंत्र मालूम है ना, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर मोक्षे मामृतात। इस मंत्र का, इस श्लोक का आपको जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार करना। 3 बार भी जाप कर सकते हो या 1 बार भी कर सकते हो। देखो, इस प्रकार से कार्तिक मास में जो दीपदान करोगे ना, ये बहुत ही सुखकारी होता है। तो देखो इस प्रकार से पहला दीपदान आप कर सकते हैं। देखिए, अब तीसरा उपाय। देखो, आपको क्या करना है, विशेष महालक्ष्मी का, देखिए शुक्रवार का दिन जो होता है वो महालक्ष्मी यानी कि देवी को समर्पित होता है। तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आपको ये उपाय करना है। देखो, आप आटे का दीपक भी ले सकते हो, माटी का दीपक भी ले सकते हो। अब इस दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर घृत का आपको प्रयोग करना है। देखो, घी का प्रयोग करना है। अब ये जो दीपक है, साथ में लेना है आपको एक हरी इलायची। देखिए, आज सूर्यास्त के बाद आपको तुलसी जी के वहाँ पर जाना है। आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर भी ये उपाय कर सकते हैं। मंदिर जी में तुलसी जी है तो वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, तुलसी जी के वहाँ पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और आपके सीधे हाथ में आपको हरी इलायची रखना है और हरी इलायची ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। आपको कम से कम 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः, और ये एक हरी इलायची जो है ना वो दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। बस आपको इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन के सारे संकट जो हैं, सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएगी। महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। देखिए, कार्तिक का जो पवित्र महीना होता है ना, वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होता है, क्योंकि भगवान विष्णु इसी महीने में शयन काल से उठते हैं, निंद्रा से उठते हैं, तो इसीलिए ये महीना बहुत ही ज़्यादा खास होता है। तो इस प्रकार से आज रात्रि में आपको दीपदान करना है। देखो, अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की। देखिए, ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने जब बताया था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला था कि विष्णु पुराण में ये उपाय वर्णित है। देखो, आज रात्रि में आपको ये उपाय करना है आप ही के घर में। क्या करना है, एक स्टील का पात्र लेना, छोटा सा कटोरी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा लोटा लेना ज़रूरी है। स्टील का पात्र लेना, उसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना, उसके अंदर शुद्ध जल मिलाना और थोड़ी सी धुरवा आपको तोड़ करके लेकर के आनी है। देखो, धुरवा जो है, या आपके पास पुरानी धुरवा पड़ी है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। धुरवा को आपको क्या करना है, एक बंडल के रूप में तैयार कर लेना है और कटोरी के अंदर वो धुरवा आपको डाल देनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप ही के घर में आना है। आप ही के घर में भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आपको ये उपाय करना है। देखो, भगवान विष्णु के सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं या भगवान विष्णु के अवतारों के सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, चावल लेना है। देखो, चावल आप 31-11 जितने लेओगे उसको आपको पीला कर लेना है। पीला कैसे करोगे, केसर से। थोड़ा सा केसर के जो रंग है वो आपको चावल में आपको डाल देना है और चावल को पीले कर लेना है, ठीक है। साथ में आपको एक दीपक लगाना है गोल बाती का, भगवान विष्णु के सामने ये चावल की ढेरी बनाना, उसी के ऊपर गोल बाती का दीपक रखना। अब आपको भगवान विष्णु के पैर पर, चरणों पर आपको क्या करना है, धुरवा से जल को, जो कच्चा दूध वाला जल है उसमें डुबोकना है और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए आपको चरणों में अर्पित करना है कच्चा दूध। देखो, ओम महालक्ष्मी नमः, फिर आपको अर्पित करना है, ओम महालक्ष्मी नमः, फिर आपको अर्पित करना है। इस प्रकार से 108 टाइम्स, 108 बार आज आपको अर्पित करना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से दीपदान करके, इस प्रकार से कच्चा दूध अर्पित करता है, उसके घर की सारी परेशानियां भगवान विष्णु महालक्ष्मी जो हैं वो दूर कर देते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है और आज की रात में आपको विशेष करना है। देखो, ये जितने भी उपाय हैं कार्तिक मास के शुक्रवार के उपाय हैं। देखिए, आज अगर आप ये उपाय नहीं कर पाओ ना, तो कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन, आने वाले शुक्रवार पर भी ये उपाय कर सकते हैं। तो बहुत ही विशेष सा ये उपाय है आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं। 4 में से 3 उपाय दीपदान के हैं, विशेष दीपदान के, जो कि आपको रात्रि में दीपदान करना है। देखिए, अगर कच्चा दूध बच जाता है तो आपको क्या करना है, अगले दिन धुरवा और कच्चा दूध जो है वो किसी भी खाली स्थान में आपको रख करके आ जाना है। आगे ये आपको बात समझ में, अगले दिन। देखो, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।